चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 9 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल एक्सरसाइज 9.3 लेवल फर्स्ट प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन स्क्वेयर 2π/5 माइनस साइन स्क्वेयर π/3 इज इक्वल टू √5 माइनस 1/8 ये हमको प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ. टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड is equal to साइन स्क्वेयर 2π/5 माइनस साइन स्क्वेयर π/3. अब देखिए 2π/5 का मतलब क्या होता है. सेंस 2π/5 is equal to 2 into pi रेडियन is equal to 180 डिग्री होता है. ये 180 डिग्री अपॉन 5 को 5 से कैंसिल कर लो. 5 3 जा 15 5 6 जा 30 36 डिग्री 36 2 जा 72 डिग्री हो जाएगा. तो इस 2π/5 को हम 72 डिग्री बोल सकते हैं. तो विच इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर π/3 ऐसा आ गया. अब देखिए 72 डिग्री की वैल्यू नहीं है अपने पास में. 18 डिग्री और 36 डिग्री की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की है और ये 60 डिग्री थी. यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. तो ये 72 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं. देखो 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 आ जाएगा और इसका स्क्वेयर लगा दो. ये होल स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर π/3 π/3 मीन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं √3/2 होल स्क्वायर. वैल्यू रख दी हमने 60 डिग्री की. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा बोलेंगे इसको. 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव तो ये प्लस हो जाएगा और 90 है तो चेंज हो जाएगा साइन का कॉस. साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 18 डिग्री होल स्क्वेयर माइनस √3/3 हो जाएगा और 2/4. ये कॉस 18 डिग्री की वैल्यू अपने पास में है सेंस कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर √10 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू का स्क्वेयर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा. 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4 स्क्वेयर 16 माइनस 3/4 ये ऐसा आ गया. अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम 16 4 और 16 का एलसीएम 16 16 से डिवाइड किए 1 का इंटू करेंगे तो 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 4 से डिवाइड किए 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16. ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं. ये 2 कॉमन निकालें पहले प्लस वाली टर्म को इसको लिख लेते हैं. यहाँ से 2 निकाले तो रूट 5 माइनस ये वाले 2 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 1 अपॉन 16. 2 से इसको कैंसिल कर लो 2 8 जा 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखो यही हमको प्रूव करना था रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8. तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पर हमने कॉस 18 डिग्री की वैल्यू का यूज किया है अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4. ठीक है. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8. इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ. टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 6 डिग्री. अब देखिए यहाँ 24 डिग्री और ये 6 है. 24 प्लस 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा और 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा.
30 डिग्री की वैल्यू भी अपने पास में है और 18 डिग्री की वैल्यू भी अपने पास में है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाली, ये आइडेंटिटी हमारे पास सेंस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, इस फॉर्मेट में लिखा है ये साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, इसको हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन ए, ए के प्लेस पे है 24 डिग्री प्लस बी के प्लेस पे है 6 डिग्री इंटू साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे 24 डिग्री माइनस बी के प्लेस पे 6 डिग्री, विच इज इक्वल टू साइन 24 प्लस 6 30 डिग्री हो जाएगा प्लस इंटू साइन 24 माइनस 6 18 डिग्री। अब ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास है 1 अपॉन 2 और साइन 18 डिग्री की वैल्यू है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सेंस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 रखते हैं यहाँ वैल्यू, विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू साइन 18 डिग्री की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो थोड़ा सॉल्व कर दो, तो 1 का इंटू करेंगे न्यूमरेटर में तो रूट 5 माइनस 1 और 4 टू जा 8। देखो यही हमको प्रूव करना था, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसमें हमने साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करे और साइन 18 डिग्री की वैल्यू यूज करें। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन स्क्वेयर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वेयर 78 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 8, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वेयर 78 डिग्री। अब देखो इसको, ये साइन स्क्वेयर 42 है माइनस कॉस स्क्वेयर 78, तो अपने पास में एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो पहले यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल के कॉस वाली टर्म को पहले ले लेते हैं और साइन वाली टर्म को बाद में ले लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू ये माइनस साइन कॉमन लिए, ये कॉस स्क्वेयर 78 डिग्री प्लस का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर 42 डिग्री। देखिए माइनस का साइन कॉमन लेने से ये कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी बन गया। अब इसको cos a प्लस बी और cos a माइनस बी वाली आइडेंट लेने से फायदा क्या होगा कि 78 प्लस 42 a प्लस बी करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, 120 की वैल्यू अपन 180 माइनस 60 लिख के निकाल सकते हैं और 78 माइनस 42 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 की वैल्यू भी अपने पास में है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करता हूँ मैं, सेंस cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, ये वाली आइडेंटिटी है। लगाते हैं आइडेंटिटी को, विच इज इक्वल टू ये माइनस साइन ऐसे ही है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, इसको कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी, ए है 78 डिग्री प्लस बी है 42 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस बी, ए है 78 डिग्री माइनस बी है 42 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस कॉस 8 प्लस 2 10 4 प्लस 7 11 1 12 120 डिग्री इंटू कॉस 78 माइनस 42 करेंगे 8 माइनस 2 6 और 7 माइनस 4 3 36 डिग्री विच इज इक्वल टू ये माइनस कॉस 120 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 120 हो जाएगा इंटू कॉस 36 डिग्री की वैल्यू अपने पास में है, उसको रख देते हैं अभी कॉस 36 डिग्री नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। ये हो गया आपका, ये माइनस है कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस पहले से है ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 180 में नो चेंज, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री।
ऐसा। अब कॉस 60 की वैल्यू भी अपने पास में और कॉस 36 की वैल्यू भी है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 36 की वैल्यू है टेन्स कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1 upon 4। वैल्यू है अपने पास cos 36 डिग्री की, ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो विच इज इक्वल टू cos 60 1/2 इंटू cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1 upon 4 विच इज इक्वल टू 1 का इंटू √5 + 1 में करेंगे तो √5 + 1 upon 4 to the 8। देखो यही अपना राइट हैंड साइड था, √5 + 1 upon 8 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, cos 78 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 78 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री। ये अब देखिए ये कॉस 36 डिग्री की वैल्यू तो अपने को पता है, √5 + 1 upon 4 ये रख देंगे। अब यहां देखो कॉस 78 और कॉस 42 इंटू में है, यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अपने पास में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कॉस 78 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री को ऐसे ही रहने दो, अभी इसकी वैल्यू रखेंगे अपन बाद में। अब यहां देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमारे पास टेंस 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम यहाँ, तो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस 36 डिग्री को पहले लिख लेता हूं मैं और यहां रख देते हैं अपन फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे 78 डिग्री प्लस बी के प्लेस पे 42 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी, ए के प्लेस पे 78 डिग्री माइनस बी के प्लेस पे 42 डिग्री, ये वैल्यू रख दी हमने फॉर्मूले में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस 36 डिग्री, अभी वैल्यू रखेंगे थोड़ी देर में, ये हो जाएगा कॉस 78 + 42 + 8 10, 7 + 4 11 1 12 120 डिग्री हो गए, और प्लस कॉस 78 - 42 करेंगे 8 - 2 6 और 7 - 4 3 36 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1/2 कॉस 36 डिग्री। कॉस 120 डिग्री को कॉस 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा प्लस कॉस 36 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2 कॉस 36 डिग्री। ये कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा और 180 में नो चेंज, तो माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। देखिए अब अपने पास में सारी वैल्यूज है, 60 डिग्री की भी वैल्यू है कॉस में और 36 डिग्री की भी वैल्यू है, ये वैल्यू रख देते हैं हम, तो विच इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू कॉस 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4 इंटू ब्रैकेट में कॉस 60 की वैल्यू माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कॉस 36 डिग्री की वैल्यू, सेंस कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/4 के। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 1/8 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 का इंटू करे तो √5 + 1/4 to the 8, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2 और 4 का एलसीएम 4, 2
से डिवाइड करें, टू टाइम टू का इंटू करेंगे तो माइनस टू, प्लस फोर से डिवाइड की वन टाइम वन का इंटू करेंगे तो रूट फाइव प्लस वन। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन अपॉन एट इंटू रूट फाइव, माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा अपॉन फोर। तो यहाँ देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना देते हैं, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर करेंगे तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस बी स्क्वायर करेंगे वन का स्क्वायर वन अपॉन एट फोर जा थर्टी टू। फाइव माइनस वन करेंगे तो फोर हो जाएगा अपॉन थर्टी टू, फोर से इसको कैंसिल कर लो, फोर वन जा फोर, फोर एट जा थर्टी टू, विच इज इक्वल टू वन अपॉन एट, और वन अपॉन एट विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो हमको यही प्रूफ करना था, वन अपॉन एट, ये वन अपॉन एट आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, कॉस पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस टू पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस सेवन पाई बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्सटीन, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस टू पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस सेवन पाई बाई फिफ्टीन। देखिए यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है आपको, ये पाई बाई फिफ्टीन इसमें भी दिख रहा, पाई बाई फिफ्टीन इसमें भी दिख रहा, पाई बाई फिफ्टीन इसमें भी दिख रहा, यहाँ पे पाई बाई फिफ्टीन है लेकिन ये टू फोर और फिर ये एट आना चाहिए, तो यहाँ पर ये 7 पाई बाई 15 को मैं 8 पाई बाई 15 बनाने के लिए इसको 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस 8 पाई बाई 15 ऐसा लिख सकते हैं लास्ट वाली टर्म। देखो इससे फायदा क्या होगा, एलसीएम 15 लेंगे तो 15 पाई माइनस 8 पाई 7 पाई बाई 15 आ जाएगा। फिर अपने पास में एक फॉर्मूला था कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू कॉस टू स्क्वायर ए इंटू कॉस टू क्यूब ए डॉट डॉट कॉस टू रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू साइन टू रेस टू द पावर एन ए अपॉन टू रेस टू द पावर एन साइन ए, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। सिर्फ ये वाली टर्म को हमको 8 पाई बाई 15 बनाना है, तो विच इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 15 इंटू कॉस टू पाई बाई 15 इंटू कॉस फोर पाई बाई 15 इंटू कॉस पाई माइनस 8 पाई बाई 15 लिख सकते हैं। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो, 15 एलसीएम 15 पाई माइनस 8 पाई करेंगे तो 7 पाई बाई 15 आ जाएगा। ये फॉर्मूला बनाने के लिए किया मैंने। अब देखिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू कॉस ये पाई बाई 15 ब्रैकेट में लिख लिया मैंने इन टू कॉस टू पाई बाई 15 को ब्रैकेट में लिख लो इन टू कॉस फोर ये पाई बाई 15 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस प्लस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन प्लस होता है ये कॉस है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस और 180 में नो चेंज कॉस 8 पाई बाई 15 आएगा। मैं 8 को यहां लिख लेता हूं और ये पाई बाई 15 को ऐसा लिख लेता हूं, ऐसा हो गया। एक स्टेप और लिख लेते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का साइन है यहाँ, इसको यहाँ सामने लगा देता हूँ मैं, ये माइनस कॉस पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 15 इंटू कॉस ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ पाई बाई 15, माइनस का साइन तो लगा दिया हमने, कॉस 8 को 2 का क्यूब लिख रहा हूं और ये पाई बाई 15 ऐसा आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला था हमारे पास सेंस कॉस ए इंटू कॉस 2 ए इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए इंटू कॉस 2 की पावर 3 ए डॉट डॉट इंटू में जाएगा इंटू कॉस 2 रेस टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए is equal to sine rest sine 2 rest to the power n a upon
रेस टू द पावर एन इंटू साइन ए, ये वाला फॉर्मूला अपने पास में है, साइन टू रेस टू द पावर एन ए अपॉन टू रेस टू द पावर एन साइन ए, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे थे। ए के प्लेस पे देखो, ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है, पाई बाई 15 है सब जगह, ये पाई बाई 15 आप इससे इसको मैच करके देख लो। तो देयरफोर LHS will become left hand side is equal to, ये माइनस का साइन सामने रहेगा, साइन 2 raised to the power n, n कितना है देखो 1 2 3 4 है, चार टर्म है यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, इंटू a कितना है pi by 15 अपॉन 2 raised to the power n कितना है 4 इंटू साइन a कितना है pi by 15। ऐसा हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन 2 रेस टू द पावर 4, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 पाई बाई 15 हो जाएगा ये, अपॉन 2 रेस टू द पावर 4 16 साइन पाई बाई 15, ऐसा हो गया। अब देखिए ये 16 पाई बाई 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 पाई बाई 15 को अपना एंगल पाई बाई 15 है, इसको पाई प्लस पाई बाई 15 ऐसा लिख सकते हैं। देखो एलसीएम लेंगे 15, तो 15 पाई प्लस पाई 16 पाई बाई 15 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, साइन 16 पाई बाई 15 को पाई प्लस पाई अपॉन 15 लिख रहा हूँ मैं, नीचे पाई अपॉन 15 का एंगल है उसको कैंसिल करेंगे इसलिए ऐसा कर दिए। एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो, वापस 16 पाई बाई 15 आ जाएगा, अपॉन 16 साइन पाई बाई 15, ऐसा हो गया। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 प्लस होता है ये साइन है तो माइनस हो जाएगा, और 180 में नो चेंज साइन का साइन रहेगा तो साइन पाई बाई 15 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस, तो विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 15 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और डिनोमिनेटर में 16 इंटू साइन पाई बाई 15, ये साइन पाई बाई 15 से साइन पाई बाई 15 गेट्स कैंसल्ड, ऊपर 1 बचा, ये आ गया आपका 1 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, 1 अपॉन 16, ये आ गया 1 अपॉन 16, तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमने प्रूफ कर रखे हैं, आप पीछे जाके देखेंगे इसको तो ये इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, और ये फॉर्मूला बड़े काम का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए और यहाँ भी क्वेश्चन बन गया और आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है, तो ऐसा आप इसको कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, cos 6 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 16 प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 6 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री, ऐसा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एक cos 6 है और एक cos 66 है, एक cos 42 और एक cos 78 है, तो मैं इसको दो दो के पेयर में ले लेता हूं, पहले एक cos 6 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री, cos 42 और cos 78 को दूसरे ब्रैकेट में ले लो, cos 42 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री। अब इन दोनों ब्रैकेट को जरा ध्यान से देखो, इसको देखो ये cos 6 और ये 66 है, मतलब ये 66 है, 60 में 6 प्लस करेंगे तो 66 आ जाएगा, तो एक एंगल 6 भी है और एक 66 भी है, और अगर 60 में से अपन 6 को माइनस करें तो क्या आएगा 54, तो यहाँ पर अगर एक एंगल, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यहाँ पर अगर एक ट्रिग्नोमेट, अगर यहाँ पर कॉस का 54 डिग्री और आ जाए तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था 4 cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये कॉस 6 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस 54 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 60 में 6 प्लस करेंगे तो 66 आ जाएगा और ये 6 आई, और 60 में से 6 माइनस करेंगे तो 54 आएगा, तो मैंने cos 54 डिग्री का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो अपने को इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको cos 54 से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, cos 54 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा
इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे 4 चाहिए, तो इसको 4 से और भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम अगले स्टेप में इंटू, यहाँ देखिए कॉस 42 और कॉस 78, तो ये 78 डिग्री दिख रहा, मतलब 60 में अगर 18 डिग्री प्लस करें तो 78 आता है, तो 78 आ जाएगा 60 में 18 प्लस करेंगे तो, और 60 में से 18 माइनस करेंगे तो 42 आता, मतलब एक कॉस 18 डिग्री अपने को और चाहिए यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं अपन कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री। देखिए हमने यहाँ पर कॉस 18 डिग्री का मल्टीप्लाई किए, क्या सोच के किए कि 60 में अगर 18 प्लस करेंगे तो 78 आएगा और 60 में से 18 माइनस करेंगे तो 42 आएगा, तो हमने कॉस 18 डिग्री का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस 18 से ही इसको डिवाइड कर देते हैं, ये कॉस 18 डिग्री से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, लेकिन उस फॉर्मूले में 4 की और जरूरत पड़ती है यहाँ पर, तो यहाँ 4 नहीं है तो मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू ये 4 कॉस 6 डिग्री इन टू कॉस 66 डिग्री इन टू कॉस 54 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री है, और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड हो गया, 4 कैंसिल हो जाएगा, इनटू इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते तो 4 कॉस 18 डिग्री इनटू कॉस 42 डिग्री इनटू कॉस 78 डिग्री अपॉन 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा कॉस 18 डिग्री, ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, 4 कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं इसको, तो ये हो गया आपका 4 कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री लिख लो 66 को इंटू कॉस 54 को लिख लो 60 माइनस 6 अपॉन 4 कॉस 54 डिग्री ऐसा इंटू, यहां भी ऐसे ही करते हैं 4 इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू कॉस ये 78 को लिख लो 60 प्लस 18 डिग्री इंटू कॉस 42 को लिख लो कॉस 60 माइनस 18 डिग्री 60 माइनस 18 42 हो जाएगा और अपॉन 4 कॉस 18 डिग्री। अब देखो ये हो गया आपका कॉस ए, ये हो गया आपका 4 कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस 4 कॉस 18 डिग्री कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा और कॉस 60 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला था अपने पास टेंस 4 कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, ये फॉर्मूला है। अब इसमें थीटा के प्लेस पे देखो क्या दिख रहा है आपको, थीटा के प्लेस पे यहाँ 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 18 है, यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है, तो ये दोनों टर्म में हम कॉस 3 थीटा वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो विच इज इक्वल टू देयरफॉर एल एच एस विल बिकम, न्यूमरेटर में लगाएंगे तो कॉस 3 और थीटा कितना है, थीटा है 6 डिग्री अपॉन 4 कॉस 54 डिग्री इनटू ये सेकेंड टर्म यहाँ पे लगा दो कॉस 3 थीटा, कॉस 3 और थीटा कितना है, थीटा है 18 डिग्री है अपॉन 4 कॉस 18 डिग्री, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू कॉस 6 थ्रीजा 18 डिग्री अपॉन 4 कॉस 54 डिग्री
इनटू कॉस थ्री, 18 थ्री जा 54, कॉस 54 डिग्री अपॉन 4 कॉस 18 डिग्री। ध्यान से, ये कॉस 54 डिग्री से ये कॉस 54 डिग्री कैंसल्ड, कॉस 18 डिग्री से ये कॉस 18 डिग्री कैंसल्ड। क्या बचा डिनोमिनेटर में? 1/4 बचा यहाँ, तो विच इज इक्वल टू 4 × 4, 4 × 4 = 16। ये आ गया अपना 1/16, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप कॉस थीटा प्लस कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा इंटू 4 भी रहेगा सामने, इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आसानी से कर सकते हैं।